Hi everyone, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली बार मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों से कुछ मांग रहा हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन आज मुझे लगा कि मुझे एक सोशल मैसेज आप तक पहुँचाना चाहिए। हमारा मुल्क इंडिया और हमारे सारे इंडियंस बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में है। हमारा कोई नेबर, हमारा कोई फ्रेंड, हमारा कोई रिलेटिव, हमारे नेबर का कोई रिलेटिव, हमारे फ्रेंड का कोई रिलेटिव, कोई ना कोई कहीं ना कहीं परेशान है, रो रहा है। आज इसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई, बाप ने बेटी को खो दिया, बेटे ने माँ को खो दिया, भाई ने बहन को खो दिया, बस रोज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं मर रहा है। तो वैसे वक्त में क्या हमारा सेलिब्रेशन करना बनता है? किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन मुझे लगता है नहीं बनता। दो दिन पहले मेरी बर्थडे थी, मैंने सेलिब्रेट नहीं करी। कुछ दिन बाद ईद है, मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पूरे साल में एक ही त्यौहार आता है, बस ईद। एक महीना हम रोज़ रखते हैं, रमज़ान में बहुत दुआएँ, बहुत नमाजें करते हैं, फिर एक मौका आता है कि हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस साल प्लीज़ हो सके तो ईद सेलिब्रेट ना करें। और जो पैसा आपने इस सेलिब्रेशन के लिए रखा होगा अलग से निकाल करके, कपड़े बनाएंगे तो पार्टी करेंगे तो खाने खाएंगे, तो प्लीज़ उस पैसों से किसी गरीब की मदद कर देना, किसी गरीब के दो वक्त के खाने का इंतज़ाम कर देना, एक जोड़ी कपड़ा दे देना। और प्लीज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, किसी की मदद करते वक्त उसकी कौम नहीं देखना कि वो हिंदू है वो मुसलमान है। इंसानियत के नाते उस इंसान को देखना, उसकी परेशानी देखना और मदद कर देना। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, बहुत से लोग आप शायद मेरी बात को सुनेंगे, इधर निकाल देंगे, लेकिन अगर 1% भी जो मैं बोल रहा हूँ वो कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ईद ये थी और मेरा सबसे बड़ा सेलिब्रेशन इस साल का था। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़।